अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू 1% विद अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। तो आज हम जिस फीचर को पकड़ रहे हैं, जिस चीज़ को कैपिटल स्मार्ट सिटी में पकड़ रहे हैं, वो है इसका लीनियर पार्क का कॉन्सेप्ट या लीनियर पार्क। अभी मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ, ये लीनियर पार्क है और ये बिल्कुल सेक्टर बी ओवरसीज़ ईस्ट के एडजेसेंट आता है। दूसरी साइड पर इसके पास जो ब्लॉक्स आते हैं वो बी के सामने वाली साइड पे आता है सेक्टर जे, और ऐसे ही इससे आगे सेक्टर ए और उस तरफ सेक्टर के है। अब इस वीडियो में क्या होगा, आपको पूरे पार्क का वॉक थ्रू दूंगा मैं। उसमें डिफरेंट जो चीज़ें अभी इंस्टॉल्ड हैं, जो चीज़ें यहाँ पे इसको रेडी करने के लिए लगाई जा चुकी हैं, उन सारों के बारे में बताऊँगा। उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या ही बंदे को फ़ायदा होगा इन पार्क्स का। अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। हॉर्टिकल्चर और ग्रीनरी का काम 100% कंप्लीट है इस पार्क में, और इस पार्क में आपको डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स नज़र आते हैं। उसके साथ आपको दरख्त नज़र आते हैं, आपको घास जो नज़र आती है वो भी हाई क्वालिटी ग्रास है। ये वही ग्रास है जो आपके गोल्फ़ कोर्स में भी आपको मिलती है, और उसी के साथ एक वीडियो है हमारे चैनल पर जो कि गोल्फ़ कोर्स की है, और उसके साथ हमने नर्सरी का बताया। वहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट इस ग्रास को उगाती है, और उसके उगाने के बाद वो यहाँ पे डिफरेंट जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे वो प्लेस करते हैं। अब ये सारी तो बात होगी हॉर्टिकल्चर की, वो आपको नज़र भी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि ग्रीनरी की क्या ही क्वालिटी है यहाँ पे, क्या ही हॉर्टिकल्चर का काम है यहाँ पे। और ये चीज़ भी कोई आसानी से नहीं होती, इस पर भी अच्छी खासी कॉस्ट आती है आपकी। अब इन चीज़ों के बाद चलते हैं कि यहाँ पर आपके चीज़ें क्या क्या इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पर अभी कुछ मैंने देखा है कि स्विंग्स वगैरह, कुछ बच्चों के लिए राइड्स, कुछ स्लाइड्स, कुछ इस तरह की चीज़ें अभी यहाँ पे हमें मिल रही हैं, और साथ ही साथ बेंचेस हर थोड़े थोड़े फासले बाद हमें मिल रहे हैं। इन पार्क्स का फ़ायदा क्या है, इन पार्क्स का बेनिफिट किसको होगा और क्यों होगा, वो ऐसे है कि अब ये सामने आप देख रहे हैं राइट साइड पर हमारे एक घर है जो कि कनाल का घर है, और कंस्ट्रक्शन इस पर माशाल्लाह से एंड तक पहुँची है। ये शुरू के जो लोग जिन्होंने कैपिटल में कंस्ट्रक्शन करना शुरू की थी, ये उनमें से हैं। और इस घर के बारे में जो एक बेनिफिट है इसका, वो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका पार्क। घर से बाहर निकलो, सामने पार्क है, आप शाम को आते हैं, आप सुबह आते हैं, आप यहाँ पे वॉक करना चाहते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपको बड़ी एक अच्छी वाइब मिलती है, एक अच्छा एटमोसफियर मिलता है जिसमें आप इन्जॉय भी कर सकते हैं, घर वालों के साथ भी बैठ सकते हैं। तो ये पार्क का बेनिफिट होता है। घर के सामने पार्क होना मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है। घर के सामने पार्क होना, घर के पास स्कूल होना, घर के पास मस्जिद होना। और मैं अगर आपको बताऊं तो यहीं पास हमारे स्टेम स्कूल है, और साथ ही साथ यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, और साथ ये पार्क आ जाता है। पीछे मस्जिद आ जाती है सेक्टर सी में। तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के एक बड़ा ही अट्रैक्टिव और बेनिफिशियल सा पैकेज बन जाता है एक कंज्यूमर के लिए। कैपिटल स्मार्ट सिटी अगर अभी देखा जाए तो अभी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट लोग नहीं कंसिडर कर रहे, काफ़ी सारे लोग इससे बदगुमान हुए हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको अगर तो आपको कुछ अट्रैक्शंस चाहिए तो उसके लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स और भी हैं, लेकिन अगर आपको सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कैपिटल स्मार्ट सिटी ही है। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया हुआ कि पार्क का काफ़ी सारा हिस्सा हमने कवर कर लिया, और मज़ीद भी अभी जितने वीडियो के एंड तक आपको नज़र आएगा, ये सारा का सारा हिस्सा पार्क में इंक्लूडेड है। अभी स्क्रीन पे आप देखें तो आपके लेफ्ट साइड पे स्कूल है, स्मार्ट स्टेम स्कूल, और ये राइट साइड पे जो बना हुआ है ये वॉशरूम्स हैं। तो पार्क ऑलमोस्ट हर चीज़ कंप्लीट ही है। सामने स्विंग्स नज़र आ रहे हैं आपको, डेकोरेशंस, बेंचेस, और ये सारा कुछ चीज़ें हर तरह से कम्प्लीट है। अब जो इसकी मेंटेनेंस का काम है वो अभी भी हर रोज़ होता है, हर रोज़ चल रहा होता है। तो ये था पार्क, लीनियर पार्क। अब इस वीडियो को हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। आई होप आपको पसंद आई होगी ये पार्क की अपडेट, ये पार्क का वॉक थ्रू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।